हेलो गाइस, तो बैक टू माय वीडियो। गाइस, मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका था कि मैं खुद बताऊंगा कि मैं खुद कैसे अपना आईडी लॉगिन करता। तो गाइस, आपको आरटीएमपी का अपडेट में आएगा, आप आरटीएमपी का अपडेट दे देना, जो कि आपको बहुत खराब रहेगा, आई नो डैट। बट उसके बाद आपको ट्विस्ट मिलेगा वीडियो के अंदर कि आपको फिर से 597.9 MB का आपको अंदर अपडेट आएगा। तो आप फिर से जिससे अपडेट दे देना। गाइस, आपको बोलेगा अपने आईडी को लॉगिन करें, ठीक है? तो मैं अपने आईडी लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है? तो गाइस, मैंने अपना आईडी लॉगिन कर चुका, ठीक है? थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो लॉगिन कर लेने के बाद आपको कंपेयरिंग सोर्सेज लेगा, तो इसको थोड़ा होने देना। सबका लेता है, मेरा भी लेता है, ठीक है? और मज़े आएंगे। गाइस, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, मैं गाइस बिना वीपीएन का ही अपना आईडी लॉगिन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? बिना वीपीएन का हो रहा है, ठीक है? बिना वीपीएन का, ठीक है? बिना वीपीएन का विदाउट वीपीएन आई लॉग इन माई आईडी, ओके? फुल वॉच माई वीडियो। देख सकते हो गाइस कि मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है।